जैसे सबका एक ही सपना रहता है कि क्रिकेटर बनना है हम सबको, तो बस मेरा भी वही पहले से ही था। खेलने में भी अच्छा था तो बस उसी लाइन पे फोकस करना था, बट बस वही रियलिटी जो रहता है कि नहीं पढ़ना है और आगे चल के कुछ करके दिखाना है। हाय एवरीवन, माय नेम इज सुबीत दत्ता एंड आई एम फ्रॉम आसाम। रिसेंटली आई एम वर्किंग इन सोनी एज ए बैकएंड डेवलपर एंड ऑल्सो एज ए DLP इंजीनियर। उस टाइम पे कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा मतलब रिलेटेड होने लगे थे, क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप उसी टाइम पे आने लगे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि नहीं मतलब कैसे क्या सब कुछ काम करते हैं, तो उसी वजह से मैंने इंजीनियरिंग चूज़ किया और JEE दिया। फैमिली में वही इंटरनल इश्यूज हुआ, फिर मुझे लगा कि नहीं अभी मुझे मतलब नहीं हो पाएगा मेरा बीटेक। मतलब बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था अपने में ही कि नहीं अब क्या करूँगा, अब मतलब कुछ हो नहीं पाएगा क्या। तो फिर मैंने आसाम में ही BSc का ज्वाइन किया। एक सेमेस्टर के बाद मुझे लगने लगा कि नहीं ये शायद मेरे लिए नहीं है, देन मुझे स्विच करना चाहिए बीटेक पे, तो बस वही एक सोच के मैंने बीटेक पे स्विच किया। सो देन सबके लाइफ में वही एक फेस आया होगा जो 2020 और 2021 पास आउट्स है, सबको वही कोविड वाला सिचुएशन फेस करना पड़ा। सो वो जो DSA का जो मेरा रफ था या फिर कोडिंग्स का जो थोड़ा बहुत स्किल्स था अच्छा खासा, वो छूट गया। देन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द फोर्थ ईयर एग्जाम्स, देन वही बस कंपनी में 3 महीने का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, सो मैं वो भी अच्छे से ख़त्म किया वो ट्रेनिंग प्रोग्राम। बट मैंने बहुत सारे मेल डाले और HR से भी बहुत सारा मतलब बातें करने की कोशिश की, बट वो लोगों से कोई रिप्लाई नहीं था, ज्वाइनिंग डेट नहीं भेज रहा था, तो मैं एकदम डिप्रेशन में चला गया था लगभग। मतलब क्योंकि मेरे हर एक फ्रेंड्स पूरा अच्छे कंपनीज में सेटल्ड थे, क्योंकि लगभग 1 साल हो गया था, तो बस मेरा 1 साल बर्बाद हो चुका था। देन मुझे लगने लगा कि नहीं ये 1 साल जो है मेरा मतलब बर्बाद नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट मुझे कुछ सीखना चाहिए। एक दिक्कत था उस टाइम पे कि कोई मेंटर वगैरह नहीं था कि हाँ तुम्हें वो सही रास्ता दिखा सके, तो मैं वही एक चीज़ ढूंढ रहा था कि कोई एक ऐसा मिले कि जिसमें मैं मतलब अपना टाइम इन्वेस्ट करके बहुत कुछ सीख सकूँ। तो बस क्रायो का जो चीज़ वो लोग ऑफर कर रहे थे मुझे, वो सब कुछ उसमें दिखा कि नहीं मैं प्रोजेक्ट्स कर सकता हूँ, गिटहब का लिंक्स भी है, ऊपर से रेज्यूमे भी बिल्ड अच्छा खासा हो जाएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि थियोरी बेसिस पे हर कोई सिखा सकता है बट प्रैक्टिकल बेसिस पे सीखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। जो चीज़ मुझे क्रायो पे मिला, क्रायो में एक चीज़ है कि जो मेंटर्स होते हैं वो बड़े बड़े MNCs के प्रोफेशनल्स होते हैं, तो उन 1 साल में मैं जो सीखा वो शायद उन 4 सालों में मैं नहीं सीख पाया था। तो बस मैंने वही सोनी ज्वाइन किया, जो मेरा पिछला कंपनी से बहुत अच्छा खासा हाइक मिला था, 3x हाइक बोल सकते हो। जो जो प्रोजेक्ट्स मैंने बिल्ड किए थे वो तो बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। एट द एंड वही बोलना चाहूँगा कि सबसे कि खुद पे विश्वास रखना है और लर्न बाय डूइंग, मेनली जो चीज़ें सीखते हैं वो करना है, बस सिर्फ सीखने से काम नहीं बनेगा, सिर्फ सीखते रहे तो हर कोई सीख सकता है, बट वही सीख के अगर आप प्रैक्टिकल वे ट्राई करोगे तो ही मतलब ज़्यादा आपको नॉलेज आएगा। बट हाँ क्रायो बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे आगे बढ़ने में, बहुत कुछ सीखा मैंने क्रायो से, और मैं बोलूँगा कि हर किसी को ट्राई करना चाहिए।